1390 आप लोग दिख रहा हो इधर, तो इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन किया हुआ है आप देखो जरा ध्यान से। तो क्यों किया हुआ है आरसी का, ये थोड़ा हल्का किया हुआ है, इसका वेट रिड्यूस किया हुआ है क्योंकि इसके एजाइल हो सके रेस ट्रैक पर। तो क्या क्या मॉडिफिकेशन किया हुआ है आप देखो, इसका क्लिप ऑन हैंडल बार इधर लगा हुआ है क्लिप ऑन। इसका जो ब्रेक सेटअप है ये सिंपल नॉर्मल केटीएम का ही है, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया हुआ है। इसमें स्टॉक मास्टर सिलेंडर दिया गया है, इसका ABS रिमूव किया गया है, इसका सिंपल डायरेक्ट लाइन कैलिपर पे जुड़ा गया है, और इसमें जो ऑयल है नेचुरल डॉट फोर ऑयल है। तो इसका जो पाइप लाइन कैलिपर पे जुड़ा हुआ है, और इसका रोटा स्टॉक का ही है, और इसमें सिर्फ एक सिंथर ब्रेक पैड ऐड किया हुआ है जो EBC सिंथर ब्रेक पैड, और इसका आफ्टर मार्केट से रोटर एक्सल साइडर ये जुड़ा गया है। इसके अलावा ब्रेक सेटअप में कुछ भी नहीं। इसमें आफ्टर मार्केट टैंक पैड दिया हुआ है इसमें, और इसका गियर GP गियर शिफ्ट किया हुआ है। इसमें RK का 520 चेन लगा हुआ है इधर, और इसमें प्राइमरी गियर रेशियो में कुछ भी चेंजेस नहीं किया हुआ है। इसमें सेकेंडरी गियर रेशियो पर इसका चेंजेस हुआ है क्योंकि स्टॉक में आता है 44 का टीथ, और इसमें RK का 45 टीथ, ये पॉकेट नंबर ऑफ टीथ 545 टीथ इधर जोड़ा गया है। पीछे का भी आफ्टर मार्केट एक्सल साइडर जोड़ा गया है। इसका जो USD फोर्क, इसका सस्पेंशन ट्रैवल 6-7 डाउन किया हुआ है। इसका फ्रंट USD फोर्क का सैक नंबर है अराउंड 28 का, और पीछे का जो सस्पेंशन है यार उसका अराउंड 38 का, यही सैक नंबर है। और हाँ दोस्तों, इधर भी लीवर गार्ड आफ्टर मार्केट जोड़ा गया है, और भी इधर, और इधर भी टैंक ग्रिप लगा हुआ है, और इसका फी फ्लो एग्जॉस्ट आप देख रहे हो शायद, इसका फी फ्लो एग्जॉस्ट सेटिंग किया हुआ है, और पीछे का भी एक्सल साइडर आफ्टर मार्केट से जोड़ा गया है। और पीछे का डिश पर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया हुआ है, और यह पिरेली डियाब्लो रोसो 2 ये वाला टायर आप रेस पर भी सेटिंग कर सकते हो, आप रोड पर भी यूज कर सकते हो, वो आपके मर्जी के हिसाब से। स्टॉक एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर बॉक्स पर परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसमें सिर्फ छेद किया हुआ है, इसमें आपको KNN के फिल्टर जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं। ये आप स्टॉक एयर फिल्टर यूज कर सकते हो, इसमें KNN फिल्टर जोड़ने की कोई भी खास जरूरत नहीं। और इस स्टॉक एयर फिल्टर और स्टॉक एयरपोर्ट फ्रीपो सिस्टम को और भी अपग्रेड करने के लिए आप में इधर बाइक पर आप में PGBack पावर टॉनिक इंस्टॉल किया हुआ है। RC390 KTM का PGBack पावर टॉनिक्स क्यों इंस्टॉल किया है इधर, जो आपको राइडिंग कंडीशन पे जो एटोमाइजेशन होता है, लीन मिक्सर रिच मिक्सर इस ये वाला ये कंट्रोल होता है इसमें। तो आप ये आपको अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है तो ये आप वाला पावर टॉनिक्स आपको जोड़ना ही पड़ेगा PGBack पावर टॉनिक्स। तो इसमें आपका बाइक का परफॉर्मेंस और का लीन मिक्सर रिच मिक्सर जो कंट्रोल करता है सब इससे ही होता है, तो ये भी लगाओ। और इसके अलावा कुछ भी मॉडिफिकेशन किया नहीं है इधर, यही है। तो एक्चुअली दोस्तों, ये RC390 कंपनी से जब प्रोड्यूस होता है तो इसमें क्या होता है, लीन मिक्सर रहता है। तो लीन मिक्सर क्यों रहता है, माइलेज इंक्रीज करने के लिए। लेकिन ये वाला लीन मिक्सर ये बाइक के हेल्थ के लिए डैमेज होता है। तो अगर आपको ये वाला फ्री फ्लो एयर सिस्टम और फ्री एग्जॉस्ट सिस्टम अगर आपको रिकमेंडेड करना है, तो अगर सेटिंग करना है, तो मेरे तरफ से ये वाला पावर टॉनिक्स का PGBack आपको जोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि ये क्या होता है, जो आपका कंपनी प्रोड्यूस से जो लीन मिक्सर आता है वो वाला ये रिच मिक्सर पर प्रॉपर ट्यूनिंग रिच मिक्सर पर कन्वर्ट करता है ये आपके हिसाब के मुताबिक। तो ये आप सेटिंग लगाओ और बाइक का परफॉर्मेंस अपग्रेड करो, यही मेरा रिकमेंडेशन है आप लोगों से। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वाला रेस मॉडिफिकेशन RC390, इसका छोटा सा रिव्यू आप लोगों को दिखाया। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ये देखकर। तो इसका देखो आप स्टार्ट करेंगे, इसका साउंड आपको सुनाएंगे, ये वाला RC390 का साउंड आपको दिखाएंगे। दोस्तों, बाइकर्स गुरु यूट्यूब चैनल पर ऐसा वीडियो और भी आने वाला है, तो कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो आपका कोई भी रिकमेंडेशन हो कोई भी वीडियो डालने के लिए तो मुझे बताओ, कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिखना। तो तब तक के लिए बाय।